सो वेलकम स्टूडेंट्स, ये फोटोग्राफ देख के आप समझ सकते हो कि आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अटैक करते हैं इस वर्ड को, रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, ऐसा तो आपको पता ही है रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर भी आपसे ही बात स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सपोज करो ये आप हो, तो आप इस दुनिया में कैसे आए स्टूडेंट्स? तो आपके पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, उन्होंने आपको प्रोड्यूस किया है, जिसके कारण आप इस दुनिया में आए स्टूडेंट्स। अच्छा, आपके पेरेंट्स इस दुनिया में कैसे आए स्टूडेंट्स? तो उनके भी रेस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है, जिनके कारण वो इस दुनिया में आए स्टूडेंट्स। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा है, दैट इज एक्चुअली रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स। और ऐसा ह्यूमन बींग्स में नहीं, एनिमल्स में भी होता है स्टूडेंट्स। एलिफेंट्स जो होते हैं वो नए एलिफेंट्स बनाते हैं, डॉग्स जो है वो नए डॉग्स बनाते हैं, और वैसे स्टूडेंट्स प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स के भी बच्चे होते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, ये आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है कि प्लांट्स के भी बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा स्टूडेंट्स, राइट? तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऑफ इट्स ओन काइंड। ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसे ही। जैसे स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स जो है वो ह्यूमन बींग्स ही प्रोड्यूस करेंगे, एलिफेंट्स जो है वो एलिफेंट्स ही प्रोड्यूस करेंगे, डॉग्स जो है वो डॉग्स ही प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि एलिफेंट का बच्चा डॉग हुआ, राइट? सो रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं अपने ही टाइप के। अभी तक स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स में और दूसरे एनिमल्स में चलने वाले बहुत सारे सिस्टम्स को स्टडी कर चुके हैं। न्यूट्रिशन कैसे होता है उनमें, वो हम स्टडी कर चुके हैं, जो ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। वैसे स्टूडेंट्स, अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से ये सिस्टम्स थे वैसे ही रिप्रोडक्शन भी होता है, उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग सी छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि ये सारे सिस्टम जो हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स, ये किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल है। इनके बिना तो कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा ही नहीं रह सकता। सोच के देखो, न्यूट्रिशन, अगर हम खाना नहीं खाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? विल डाई। तो इसका मतलब इस प्रोसेस के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। रेस्पिरेशन, सांस लेंगे तो मर जाएंगे स्टूडेंट्स। एक्सक्रीशन, आप एक्सक्रीट नहीं करोगे टॉयलेट में जाके तो इवन देन यू विल डाई स्टूडेंट्स। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर स्टूडेंट्स समहाउ का सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना बंद कर जाए, हार्ट के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर ब्लड फ्लो करना बंद हो जाए बॉडी में, देन ऑल्सो यू विल डाई स्टूडेंट्स। तो ये सारे सिस्टम्स जो हमने पढ़े हैं, दे आर वाइटल फॉर सर्वाइवल फॉर एन ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भी काम ठीक से नहीं करेगा तो कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन जो है उसके साथ ऐसा नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ये डिसाइड करे कि मुझे रिप्रोड्यूस नहीं करना है तो भी वो बिल्कुल सर्वाइव कर सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैरिज नहीं करते हैं, वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और तब भी वो बहुत लंबी जिंदगी आराम से जीते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनको, दे कैन स्टिल लिव। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन वाइटल नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। ये सब वाइटल है, लेकिन इसके बिना भी कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है स्टूडेंट्स, राइट? आपको समझ में आ रही बात? लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे कैच है। देखो, अगर कुछ लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक, उनकी लाइफ चलती रहेगी। लेकिन सपोज करो स्टूडेंट्स कि दुनिया के सारे लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, नई जनरेशन ही नहीं आएगी, और पुरानी जनरेशन तो टाइम के साथ खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा? ह्यूमन सिविलाइजेशन विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम दिस यूनिवर्स। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? अगर एक ऑर्गेनिज्म ये डिसाइड कर ले कि मुझे रिप्रोड्यूस नहीं करना है तो वो अपनी लंबी जिंदगी जी सकता है, लेकिन एज अ होल अगर सब ये डिसाइड कर ले कि रिप्रोड्यूस नहीं करना है, सो दैट स्पीसीज विल बी वाइप्ड आउट, वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी स्टूडेंट्स। वैसे आप सोचो कि अगर दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, सब के सब रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो नेक्स्ट जनरेशन किसी की भी नहीं आएगी और लाइफ ही खत्म हो जाएगी दुनिया से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट कलेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ और फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी दुनिया से। इसलिए रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम गोइंग इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? अब देखो, रिप्रोडक्शन जो होता है स्टूडेंट्स वो दो टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान देंगे, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम में ए का डिफरेंस है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम आपकी बात करें तो यू हैव अ मदर, यू हैव फादर,
उन दोनों ने मिलके आपको प्रोड्यूस किया है, आपको जन्म दिया है, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स अगर हम किसी एलिफेंट की बात भी कर लें तो उसके भी एक मदर एलिफेंट होगी, एक फादर एलिफेंट होगा, राइट स्टूडेंट्स। देखो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जिनको हम अच्छे से जानते हैं उनमें ऐसा ही होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसको दो मिलके प्रोड्यूस करेंगे, दो मिलके मतलब उसका एक मदर भी होगा एक फादर भी होगा, तो दो ऑर्गेनिज्म मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। प्लीज ध्यान देंगे, दो ऑर्गेनिज्म को मिलना पड़ रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। बट स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक ही लिविंग बीइंग दूसरे लिविंग बीइंग को जन्म दे सकता है, यहां पे दो की जरूरत नहीं है, दो की जरूरत नहीं है। तो वैसे प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और जब दो की जरूरत होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे सिंगल पेरेंट और यहां पे लिखेंगे टू पेरेंट्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। स्टूडेंट्स समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। अच्छा ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जनरली सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये प्रोसेस भी सिंपल होता है, हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ये सिंपल है और ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। तो अकर्स इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट्स, बहुत छोटे होते हैं सिंपल होते हैं, तो उनमें जनरली होता है या कुछ प्लांट्स में भी होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ह्यूमंस में, डॉग्स में, एलिफेंट्स में, बर्ड्स में, फिशेज में और ज्यादातर प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, राइट। अब स्टूडेंट देखो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, वंस यू हैव ब्रीफली अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो एक एक करके हम दोनों को एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन को बहुत डिटेल में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप भी बताओ सबसे पहले किसको देखना चाहिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें एसेक्सुअल को देखना चाहिए क्योंकि वो आसान होता है, तो उसको समझना आसान होगा स्टूडेंट्स, तब हम इस पे आएंगे। तो नाउ विल फोकस ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अब देखें स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है वो कई टाइप का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ही करके हम सबको पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा होगा स्टूडेंट्स, लेकिन आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसको, बाइनरी फिजन को। व्हाट इज दैट? सो बाइनरी फिजन जो है बड़ा सिंपल प्रोसेस है और सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिज्म द्वारा ही किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल दूं अमीबा, तो अमीबा तो आपको पता है यूनिसेल्यूलर होता है और बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है। तो सपोज करो ये एक फुल्ली ग्रोन अमीबा है एंड रेडी टू रिप्रोड्यूस, तो जब ये रिप्रोड्यूस करना चालू करेगा तो देखो क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स वो डिवाइड होना शुरू होगा, आपको पता है न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है किसी सेल का, वो डिवाइड होना शुरू होगा जैसा आप देख सकते हो। फिर थोड़े टाइम बाद न्यूक्लियस जो आप देखो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा जैसा यहां पे आपको दिख रहा है, तो दो न्यूक्लियस बन गए, पहले एक था उससे दो बन गए। अच्छा एट दिस पॉइंट जब न्यूक्लियस पूरा डिवाइड हो चुका है तो आप देखो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा थोड़ा डिवाइड होना चालू हो गया है, राइट। फिर जैसे टाइम बीतेगा साइटोप्लाज्म और ज्यादा डिवाइड हो गया है, फिर जैसे टाइम बीतेगा आप देखो साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट डिवाइड हो ही गया है और अमीबा जो है वो इफेक्टिवली दो पार्ट में बट सा गया है, और थोड़ा और टाइम पास होगा तो फाइनली आपके पास दो अमीबा हो गए इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स दिस इज रिप्रोडक्शन इन अमीबा, दिस इज बाइनरी फीजन इन अमीबा। पहले हमारे पास एक अमीबा था, अब फाइनली हमारे पास दो अमीबा हो गया है, सो दिस इज रिप्रोडक्शन, दिस इज रिप्रोडक्शन। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? आप देखो बाइनरी फीजन, बाइनरी वर्ड का मतलब ही क्या होता है, टू, फीजन मतलब होता है डिवाइड होना, तो मतलब दो में डिवाइड होना, तो वही हुआ ना, पहले हमारे पास एक अमीबा था वो फाइनली दो में डिवाइड हो गया है। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जैसा कि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों अमीबा जो यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं इनको बोलते हैं डॉटर अमीबा। अच्छा इनको सन अमीबा नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते वो मुझे नहीं पता, बट क्या बोलते हैं, डॉटर अमीबा। अच्छा अब ये जो सिंपल प्रोसेस स्टूडेंट्स, इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि पहले कौन डिवाइड हुआ, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ या पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि पहले जो है न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। प्लीज नोट दैट पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हम लिख भी सकते हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट एंड देन साइटोप्लाज्म, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब बाइनरी फ्यूजन के बारे में कुछ चीजें लिख लेंगे हम यहां पे। बाइनरी फ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू ऑर्गेनिज्म। समझ में आई बात स्टूडेंट? अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है, ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द्वारा ही यूज किया जाता है, ओनली फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स। अच्छा कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं अमीबा के अलावा जो बाइनरी फीजन यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक तो अमीबा खुद ही हो गया स्टूडेंट्स, देन लेस्मानिया, पैरामेशियम, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ,
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बाइनरी फ्यूजन यूज करते हैं। जैसे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बात करते हैं स्टूडेंट्स अमीबा की और लेस्मानिया का। ठीक है, लेस्मानिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच इज वेल नोन फॉर क्रिएटिंग अ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स जिसका नाम है काला आजार। आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, वो इसी के कारण होता है। खैर एनीवे, अब देखो अमीबा और लेस्मानिया में क्लियर डिफरेंस है। अमीबा कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन लेस्मानिया का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज टाइप का शेप है, उसकी टेल है, इलोंगेटेड है, एक ऑर्गेनाइज शेप है, इसका कोई ऐसा ऑर्गेनाइज शेप नहीं होता है। तो जब अमीबा डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, वो किसी भी तरीके से डिवाइड हो सकता है, मतलब वो इस लाइन के लॉन्ग भी डिवाइड हो सकता है, इस लाइन के लॉन्ग भी डिवाइड हो सकता है, इस लाइन के लॉन्ग भी, मतलब किसी भी लाइन के लॉन्ग डिवाइड होकर दो पार्ट में बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि इसका ऑर्गेनाइज शेप है तो इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता कि ये कैसे भी डिवाइड हो जाए। जैसे ये इस तरह से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट्स, इस तरह से डिवाइड होगा, ये जब डिवाइड होगा तो इस लाइन के लॉन्ग डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि इसका सिस्टमैटिक शेप है तो इट कैन डिवाइड ओनली इन अ पर्टिकुलर फैशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स मल्टीपल फ्यूजन की। तो मल्टीपल फ्यूजन जो है वो भी सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस ही है। जैसे मलेरियल पैरासाइट में, प्लास्मोडियम में, प्लास्मोडियम का एग्जाम्पल लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। जैसे आप देखो ये है प्लास्मोडियम, जब इसको डिवाइड करना होता है स्टूडेंट्स, मल्टीपल फ्यूजन करना होता है, तो इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जैसे कि आप देख सकते हो। अब क्या होगा कि ये जो प्लास्मोडियम है वो डिवाइड करके कई सारे ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जैसे बाइनरी फ्यूजन में दो बनते डिवाइड होके, इसमें कई सारे बनते, यही बेसिक डिफरेंस है। और फिर ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बर्स्ट करेगी और सारे प्लास्मोडियम बाहर निकल जाएंगे। सो दैट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। सो अब बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन की। तो स्टूडेंट इससे पहले जो दो प्रोसेस हमने पढ़े कौन कौन से, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, ये दोनों सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द्वारा ही यूज किए जाते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। तो यूज बाय सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स लाइक स्पायरोग्रा एंड सी एनीमोनी। देखो स्टूडेंट्स स्पायरोग्रा जो है वो सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट है, फाउंड इन वाटर, प्लांट फाउंड इन वाटर, और ये सिंपल सा एनिमल है फाउंड इन वाटर। ये दोनों फॉर एग्जाम्पल फ्रैगमेंटेशन करते हैं, उस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्पायरोग्रा का एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं क्या होता है। तो ये स्पायरोग्रा स्टूडेंट्स आप देखें, जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये दो पार्ट में ब्रेक कर जाता है, दो पार्ट में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक कर गया, सिंपल ब्रेक कर गया। अब ये जो पार्ट है ये फर्दर ग्रो करके पूरा एक स्पायरोग्रा बना लेगा, ये फर्दर ग्रो करके पूरा स्पायरोग्रा बना देगा, सिंपल हो गया। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस। स्टूडेंट्स हो सकता है आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि ये तो बाइनरी फ्यूजन जैसा ही लग रहा है। हाँ कुछ कुछ वैसा ही है लेकिन सेम नहीं है स्टूडेंट्स। कैसे सेम नहीं है, देखो हमने अमीबा की बात की है ना, तो देखो अमीबा जो है वो जब बाइनरी फ्यूजन से दो अमीबा बनाता है तो जब ये ब्रेक होता है स्टूडेंट्स, तो ब्रेक होने के जस्ट बाद ये एक पूरा अमीबा होता है, ये भी एक पूरा अमीबा होता है। यहां पर ब्रेक होने के बाद ये पूरा स्पायरोग्रा नहीं है, ना ये पूरा स्पायरोग्रा है, ये दे विल ग्रो इनटू कंप्लीट स्पायरोग्रा। तो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, समझ में आई बात। उतना ही नहीं, ये वाला जो प्रोसेस है बाइनरी फ्यूजन वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किया जाता है और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किया जाता है। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स, राइट?